एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम चुनाव जीत गए हैं देवतलाब सीट से। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम चुनाव जीत गए हैं। देवतलाब की अगर बात करें तो यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला था और इनका जो कांग्रेस का प्रतिद्वंदी था वो गिरीश गौतम का भतीजा ही था, रमेश गौतम, चचा भतीजे की लड़ाई थी, जिसमें गिरीश गौतम को जनता ने भरपूर मतदान किया, उनको विजय बनाया और उनके भतीजे को हरा दिया है। मैं टैली देख के आपको बता रहा हूँ कि गिरीश गौतम को 63,722 वोट मिले हैं। 63,722 लोगों ने गिरीश गौतम को विजय बनाने के लिए अपना मत दिया है। वहीं उनके भतीजे पद्मेश गौतम जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे उन्हें 39,336 लोगों ने वोट दिया है। चचा भतीजे की लड़ाई में माना जा रहा था कि उनके भतीजे जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं पद्मेश, वो विजयी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मोदी नाम का जादू चल रहा था उस जादू में गिरीश गौतम एक बार फिर कद्दावर नेता के रूप में साबित हुए हैं। भिंड इलाके में उनकी तूती बोलती है और जब पहली मर्तबा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने से 2003 की बात है, तब उन्होंने मनगवा से तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया था। और राजनीति में, भिंड की राजनीति में लंबा तजुर्बा रखते हैं गिरीश गौतम और सीधी सच्ची बात कहने के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उन्होंने नए नए प्रयोग किए, ऑनलाइन क्वेश्चन मंगाना, उसके बाद में जो कुछ असंसदीय शब्द थे उनको विधानसभा की कार्रवाई से हटाना, असंसदीय शब्दों की किताब बना के सबको देना कि किन शब्दों को विधानसभा में प्रयोग किया जाना है किनको नहीं, कई सारे नवाचार उन्होंने विधानसभा में किए हैं। उनकी उम्र पर मत जाइए, उनके नए काम करने के तजुर्बे को देखिए और जो नया नया वो करते रहते हैं, हर रोज कुछ नया करते हैं, वो लोगों को शायद पसंद आया और इस वजह से लोगों ने उन्हें एक बार फिर विधानसभा में जाने के लिए मतदान किया, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, चुनावी ताल ठोक रहे चाचा भतीजे के बीच में आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए, पर चाचा भतीजे के ऊपर चुनावी जंग में उनको पटकनी देने में कामयाब हो गए। गिरीश गौतम सीनियर नेता है, कद्दावर नेता है और उनकी ये जीत उनका कद को और बढ़ाती है और ऊंचा करती है। पद्मेश गौतम और कुछ बहुत कुछ सीखेंगे, चाचा से हारे हैं, अब देखना पड़ेगा कि वो आगे अपनी राजनीति को क्या कदम उठाते हैं, किस तरह से अपनी राजनीति आगे लेकर जाते हैं। पुरानी कहावत है कि खाता ना भाई चाचा कहे तो सही, और वाकई चाचा चाचा होता है, भतीजा भतीजा होता है। ये गिरीश गौतम जी ने इस आयु में भी एक बार फिर साबित कर दिया है और अभी तक वो इस विधानसभा के अध्यक्ष थे, नई विधानसभा में उनकी भूमिका क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके तजुर्बे का लाभ लेना बीजेपी जरूर चाहेगी। अगर बीजेपी उनकी तजुर्बे का लाभ लेती है तो हो सकता है वो एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नजर आए। अभी कई सारी बहुत रोचक और दिलचस्प बातें और भी हैं, उन्हें जानने के लिए आप दखल न्यूज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चटकीली राजनीतिक बातों का आनंद लेते रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।